आज के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जिस दिन मनाया गया 12 अगस्त। हाल ही में डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र सिंह तोमर। हाल ही में वीरेंद्र पॉल को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? केन्या। हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया है? छत्तीसगढ़। हाल ही में पीके मथुसामी का निधन हुआ, वे कौन थे? तमिल फिल्म के गीतकार थे। सेल का अगला अध्यक्ष किसे चुना गया है? सोमा मंडल। हाल ही में कनेक्टिंग कम्युनिटी चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? प्रकाश जावड़ेकर। हाल ही में किस देश ने एम्स दिल्ली के साथ AI आधारित तकनीक साझा की है? इजराइल। दिल्ली सरकार शहर के रेड़ी पटरी वालों को जितने हजार तक का कर्ज मुहैया कराएगी, 20,000 रुपए। फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में जो इकलौते भारतीय शामिल हैं, अक्षय कुमार। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जिस दिन मनाया जाता है 12 अगस्त। जिस प्रसिद्ध उर्दू कवि का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को कोविड-19 में इलाज के दौरान निधन हो गया, राहत इंदौरी। जिस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया है, हाथी। विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे जिस दिन मनाया जाता है 12 अगस्त। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को जिस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, उज्बेकिस्तान। केंद्र सरकार ने जिस राज्य के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा के ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा की है, जम्मू कश्मीर। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ICRIER के नए चेयरमैन के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है, प्रमोद भसीन। भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच जिस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की, प्रोजेक्ट चीता।